हे गाइस, ओलंपिक में इंडिया की थर्ड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो गाइस, आपने अभी तक वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे इस सीजन की इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड एंड सेकेंड एपिसोड नहीं देखा तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप उस वीडियो को देख लो, इसके बाद आप मेरे इस एपिसोड 3 को देखो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट कमेंट पे और आई बटन में वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो कहीं से भी देख सकते हो। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे मतलब ओलंपिक क्या होता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओलंपिक, ओलंपिक के बारे में जितने भी जानकारी है सभी को मैंने बताया था। एंड सेकेंड एपिसोड में इस साल की जो टोक्यो ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक में इंडिया को कितने मेडल मिलने चाहिए, कितने मेडल मिल सकता है और पॉसिबल मेडल कितना मिलेगा, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने बताया था। एंड लास्ट वीडियो में मेरे एक कॉमेंट भी आया था, तो आपको दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कॉमेंट करने के लिए मेरे वीडियो को, एंड दिल से शाउट आउट टू यू। और आपने जो जो बातें मैंने बताया मैं सारी बातें इम्प्रूव करने की आगे कोशिश करूँगा और सभी भी आगे ध्यान रखूँगा आपने जो जो बातें बताया था। तो वीडियो को फाइनली शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरे इस वीडियो में मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहले मैं शेड्यूल को बताऊँगा कि कौन सी शेड्यूल है, एंड शेड्यूल के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, मतलब कि जिस वेबसाइट से मैं आपको पढ़ के बताऊँगा, तो इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप चाहते हो तो वीडियो को छोड़ सकते हो एंड छोड़ के डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा शेड्यूल देख सकते हो। एंड गाइस, मैं एक पहले जो पर्सनल बात है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो बहुत दिनों से सोच रहा था कि ये बातें आपके साथ शेयर करूँ। एंड पिछले हाल ही में मैंने बहुत ही दोस्तों को उन्हें बताया था कि मैं 23 जुलाई के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, एंड सभी को बताया था और सभी तो जायज आपको मैं बताऊँगा तो आप भी बोलोगे कि क्या बात है 23 जुलाई को, ऐसा क्या है। तो सभी दोस्तों ने सेम बताया, तो मैंने बताया कि आपको तुम लोगों को अभी तक नहीं पता 23 जुलाई से क्या शुरू होने वाला है को नहीं, तो मैंने कहा कि गैस करो कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इसके बाद भी वो लोग नहीं बता पाया, तो इसके बाद जैसे मैं बोला ओलंपिक, तो मुझे शॉकिंग इस बात में लगा कि बहुत सारे बंदे को, मेरे दोस्तों को पता ही नहीं था कि 23 जुलाई से ओलंपिक शुरू होने वाला है, तो मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा। एंड मैं जनरली भी देखा हूँ कि मतलब ओलंपिक मतलब कि जितना हाइप डिजर्व करता है उतना हाइप उसको नहीं मिल रहा है। ऐसा होने के मेन रीज़न बहुत सारे रीज़न हो सकता है, एंड मतलब कि आप बोलो ओलंपिक दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट होता है, लगभग 33 से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेला जाता है, लगभग 350 से ज़्यादा इवेंट्स होता है, मतलब क्या बोलूँ इतना बड़ा एक स्पोर्टिंग इवेंट। और हमारे इंडियंस को इतने बड़े में ऐसा लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इंडियन टीम मेडल जीत जाए मतलब ओलंपिक कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स से मेडल जीत जाए, तो हम तो बहुत ही वाह करते हैं कि हाँ हमारी इंडियन टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, हमारी पीवी सिंधु ने पिछले साल मेडल लाया हमारे लिए, साक्षी मलिक ने हमारे लिए मेडल लाया, बहुत सारे प्लेयर ने हमारे लिए मेडल लाया, लेकिन हम इसको सपोर्ट क्यों नहीं करते, मतलब कि इनिशियल स्टेट में क्यों सपोर्ट नहीं करते, हम रिजल्ट के बारे में क्यों देखते हैं, वो मेडल लाएगा तो अच्छा प्लेयर है, वो मेडल नहीं लाएगा तो बुरे प्लेयर है, लेकिन इनिशियल स्टेट में हम किसी भी प्लेयर को मतलब सपोर्ट नहीं करते। तो मुझे जो पर्सनली ऐसा बात लगता है मतलब कि आप ही बोलो और 3 दिन बचा है, मतलब आप देखो तो 22 जुलाई को होगा ओपनिंग सेरेमनी एंड 23 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा सुबह से, मतलब लोग इतने बारे में अवेयर नहीं है, मतलब जानते नहीं है क्या, मतलब क्या है इस बारे में मैं डीपली जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ओलंपिक ऐसे इशू जितना मतलब डिजर्व करता है इतना वो मतलब हाइप जितना हाइप डिजर्व करता है इतना हाइप उसका नहीं है, मतलब कि लोग जानते नहीं है। तो मैं गाइस मैं बता देना चाहता हूँ इसका जो मेन रीज़न, मुझे जो पर्सनली ऐसा लगता है कि इसका मेन रीज़न हो सकता है क्रिकेट, क्योंकि हम जैसे बाहर की कंट्री को आप देखो जैसे ब्राज़ील अर्जेंटीना पुर्तगाल बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पर फुटबॉल ज़्यादा पॉपुलर है अन्य स्पोर्ट्सों में से, यहाँ पर सेम ही इंडिया की कंडीशन है, इंडिया में क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अदर स्पोर्ट्सों में से। एंड मुझे जो लगता है क्रिकेट ऐसा मेन रीज़न है जो अदर स्पोर्ट्स इतना पॉपुलर नहीं है, मैं क्रिकेट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए ऑडियंस एज ए आपको बोल रहा हूँ, एंड आप एज ए ऑडियंस आपको डिसाइड करना होगा, एज ए ऑडियंस एज ए व्यूअर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए सीरियस बात आपको मानना पड़ेगा, क्रिकेट इंडिया में एक स्पोर्ट्स नहीं है, क्रिकेट इंडिया में एक रिलीजन की तरफ बन चुका है, मतलब कि मैं तब क्या बताऊँ, लोग
रोते हैं, दुख होता है, ऐसा स्पोर्ट्स में होता है, लेकिन हमारे लोग इस स्पोर्ट को, क्रिकेट को, एक एज ए रिलीजन मान चुके हैं, तो उसकी वजह से बाकी स्पोर्ट्सों को इतना जितना हाइप मिलना चाहिए इतना हाइप नहीं मिल रहा है। ओके, आपको मैं उदाहरण देके, मतलब एग्जांपल देके आपको मैं बताता हूँ। जो इंडियन फुटबॉल टीम है, इंडियन फुटबॉल टीम को फेसबुक पर लाइव आकर हाथ जोड़ के बताना पड़ता है कि आप हमारे मैच देखो। क्रिकेट में क्या ऐसा करते हो, आपने देखा है? कभी भी नहीं देखोगे, क्योंकि क्रिकेट बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्रिकेट को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज ए ऑडियंस, एज ए व्यूअर, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको सभी स्पोर्ट्सों को सही मानों में, मतलब समान नज़र में देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं ना। आप बोलोगे, ऐसे ही ब्लेम करते रहोगे कि इंडिया क्यों मेडल नहीं ला पाता है। एज ए ऑडियंस आपको समझना पड़ेगा कि प्लेयर तो अपनी एफर्ट दे रहा है। आपको पता है कि मोर देन 195 कंट्री है हमारी वर्ल्ड में, एंड 195 से भी ज़्यादा कुछ बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड है, वो भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं एज ए नेशन वाइज। मतलब क्या बताओ, 200 कंट्री है, 200 कंट्री में से ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल में बहुत ही मतलब कि कंपटीशन ज़्यादा है। अब टीम में इतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि टीम में सभी देशों में एक ही टीम जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल में ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल में एक टीम से 10 से भी ज़्यादा प्लेयर हो सकता है, अगर मैं बताऊँ तो। उन सबको कंप्लीट करके फाइनल स्टेज में जाके, ओलंपिक में जाके मेडल लाना, आप बोल सकते हो कितना, मतलब कितना बहुत ही मुश्किल लगता है। इसके बावजूद भी हमारे प्लेयर ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है, यूके यूएस जैसे इतना पैसा भी नहीं है, इसके बावजूद भी हमारे प्लेयर दिनों जान लगा कर इंडिया के लिए, इंडिया की शान के लिए मेडल लाते हैं। इसके बाद हम जाके रिएक्ट करते हैं, लेकिन हम इनिशियल स्टेट में उनको मतलब कितना सपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इनिशियल स्टेट में जाके उसको इतना सपोर्ट कीजिए, ऐसा नहीं है। जब ओलंपिक का भी हो रहा है 23 जुलाई से, आप देखो तो उनको, उन लोग कैसे खेल रहे हैं, उसको जज तो करो ना, जैसे आप क्रिकेट में जज करते हो, वो प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा, विराट कोहली के साल फॉर्म नहीं है, अब उनको भी जज करो ना। एज ए स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स को भी प्यार करते हो, तो आप इस स्पोर्ट्स को भी आप प्यार करो, क्योंकि सब स्पोर्ट्स सेम है, मैं अगर ऐसा बोलता हूँ तो। गाइस, मेरा जो पर्सनल थॉट था, मेरा ये थॉट है, आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मत बनाइए, और मैं आपका नैरेटिव भी मत बनाए, क्योंकि मेरा पर्सनल थॉट है, मुझे जो लगता था। मैं क्रिकेट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है क्रिकेट, मुझे, मैं भी क्रिकेट को देखता हूँ। एंड लास्ट डे मैंने एक ही और इंसिडेंट हुआ, लोग मतलब इंडिया वर्सेस श्रीलंका की मैच के बारे में ज़्यादा जिनको पता है, क्योंकि ओलंपिक के बारे में अभी भी लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे बड़े यूट्यूबर अभी तक भी इसके बारे में कोई स्टोरी या फिर पोस्ट अभी तक नहीं दिया है, मैं देखता हूँ आगे। एंड जो जो यूट्यूबर ओलंपिक के बारे में सच में वीडियो बना रहा है, उनकी वीडियो में व्यूज़ एंड लाइक्स की भी बहुत कम है, तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मतलब आपकी खुद ही सोचो ना। एज ए टीम जो इतना ज़्यादा मेहनत करके बोलो खेलती है वर्ल्ड स्टेज में जाकर, अगर आप क्रिकेट को मानो इतना है, फुटबॉल को मानो इतना है, ओलंपिक इससे भी ऊपर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखना तो चाहिए, और इंडियन टीम को सपोर्ट तो दिलो जान से करना चाहिए। तो मेरा पर्सनल थॉट ख़त्म करते हैं, और बताऊँगा कौन सी चैनल में आपको ओलंपिक लाइव देख सकते हो। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ, सोनी के जितने भी चैनल है, सोनी 10-1 हो गया, 10-2 हो गया, 10-3 हो गया, 10-4, सभी चैनल में आपको देखने को मिल जाएंगे, आप टीवी की बात करो। और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो सोनी लिव में आपको देखने को मिल जाएंगे सभी की, मतलब कि सोनी लिव में मिल जाएंगे। एंड सोनी 10-3 में आपको हिंदी में मिल जाएगा लाइव कमेंट्री के साथ। एंड मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप फ्री में देखना चाहते हो तो आप अगर जियो यूज़र हो तो ही आप फ्री में देख सकते हो, क्योंकि जियो यूज़र अपने जियो टीवी के साथ देख सकते हैं। एंड मैं भी पर्सनली बोलता हूँ, आप देखो जैसे मन करे ऐसे देखो, लेकिन सपोर्ट करो यार, अगर सपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं है ना। एंड टाइम टेबल की बात करें तो कौन सी डेट में, कौन सी मतलब समय में, समय की बात करें तो समय तो सुबह से शुरू हो जाएगा, आप जितने देर सो रहे होगे शायद शुरू भी हो जाएगा। एंड फर्स्ट डे जो 23 जुलाई फ्राइडे को एक ही मैच है इंडिया की, सुबह की 5:30 AM को ओनली आर्चरी मैच ही खेला जाएगा, एक ही गेम है पहला दिन इंडिया का। लेकिन 24 तारीख इंडिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स है, अगर आप चाहते हो वीडियो को अभी भी छोड़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हो, आपके आप नीचे खुद भी आप देख सकते हो। तो दूसरे दिन भी बहुत सारे स्पोर्ट्स होगा, रावइंग हो गया, शूटिंग हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, एंड आर्चरी हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, हॉकी हो गया इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, एंड बॉक्सिंग हो गया, जूडो हो गया, आर्चरी हो गया। आर्चरी में
मैं थोड़ा मतलब कि इतना तो बोलूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। एंड आप चाहते हो तो आर्चरी जो मतलब कि दूसरे दिन मिक्स टीम का फाइनल मैच है एंड सेमीफाइनल मैच है, क्वार्टर फाइनल मैच है, आप चाहते हो इस मैच को मिस मत करना। सुबह सुबह के मतलब कि 10:55 को शुरू हो जाएगा, तो इस मैच को आप मिस मत करना। एंड ये फाइनल मैच पहला है, मतलब कि इंडिया अगर इसमें मेडल ला पाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। अगर पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया से अतुल उदास एंड दीपिका कुमारी, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, एंड और भी इंडियन टीम है। देखिए आप देख सकते हो पॉज करके वीडियो को, फिर वेबसाइट से भी देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा। तो बहुत सारी मैच है, तो मैं एक एक स्पोर्ट्स को डिटेल्स में एनालिसिस क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओलंपिक में मोर देन 330 से ज़्यादा स्पोर्ट्स है, मतलब कि इवेंट्स है, तो एक एक क्यों मैं अगर डिस्कस करूँ, तो आप एक मिनट आप मान लो कि एक इवेंट को बारे में मैं डिस्कस करता हूँ तो मानो आप कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मेरा फैन ऑफ है इसलिए गर्मी थोड़ा लग रहा है, तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना। एंड बहुत सारे डे थ्री में भी बहुत मैचेस है, मतलब क्या बताऊँ, बहुत मैचेस है। एंड डे फोर डे फाइव में भी बहुत मैचेस है, आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट मैच वही है जैसे कि आप देख सकते हो, क्वालिफिकेशन एंड एलिमिनेशन मैच। क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई तो आप समझ चुके हो, एलिमिनेशन में जो टीम हारेगा वो घर जाएगा, तो ऐसे मैच को मुझे ज़्यादा देखना पसंद है। एंड आप देखो एंड इंडियन टीम को सपोर्ट करो, एंड इसके आगे मैं क्या बताऊँ, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या ऐसा होगा। एंड अब अगर अभी भी आपको ओलंपिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं जानते, अभी इनिशियल स्टेज में हो, तो आप मेरे एपिसोड 1 देख सकते हो, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, मैंने इस वीडियो में अच्छे से आपको बताया हो। एंड जिसको आप अभी मतलब कि टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की परफॉर्मेंस क्या होने वाले है, कितने मेडल जीतेंगे, तो इसके बारे में जानना चाहते हो तो एपिसोड 2 आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन एपिसोड 2 में थोड़ा क्वालिटी का थोड़ा इशू है, मैं पता है मुझे, थोड़ा एडजस्ट करके देख सकते हो। इसके अलावा भी अन्य यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर की वीडियो भी आप रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि वो लोग भी मुझसे तो बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं, तो आप देख सकते हो। एट द लीस्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सपोर्ट करो। एंड फेंसिंग हो गया, मतलब कि फेंसिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडियन टीम की फर्स्ट वुमेन भावना देवी ने क्वालिफाई किया, अगर वो मेडल जीत लाया तो मैं तो क्या बताऊँ, मैं कुछ खुशी में पागल हो जाऊँगा। एंड होप, मुझे सभी प्लेयर से बहुत ही उम्मीदें हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही प्राउड है, वो लोग मेडल नहीं लाए वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग इतने मतलब कि ओलंपिक में जाकर पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। और आपको भी ऐसा जानना पड़ेगा, क्योंकि ओलंपिक मामूली सी चीज़ तो नहीं है, आप चाहे तो ओलंपिक नहीं खेल पाओगे। ओलंपिक खेलने के लिए बहुत सारे स्टेजेस है, बहुत सारे स्टेजेस को आपको कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। ओलंपिक ऐसा नहीं होता, दुनिया की सभी टीम परफॉर्मेंस करते हैं, मैंने पहले जो बताया था, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो फेंसिंग है, हॉकी, जिमनास्टिक, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, 15 मिनट के अंदर ही वीडियो को ख़त्म कर दूँगा, जाते हो इसको देख सकते हो, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। और फिर से मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि आप इंडियन टीम को एटलीस्ट सपोर्ट करो, क्योंकि हमारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो वो मेडल किस लिए लाएंगे। और इसके बाद फेक एजेंडा मत करो, जब मेडल लाएगा तो आप ऐसे वाह वाह मत करो, ऐसा देखने में बहुत मुझे तो पर्सनली बुरा लगता है। बहुत सारे बंदे ऐसे भी ओलंपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसके बावजूद जब मेडल लाते हैं तब जाके उसको रियलाइज होता है, वो लोग स्टेटस देते हैं, बहुत सारे करते हैं, लेकिन मैं ऐसा आपको मैं करने के रोक नहीं रहा हूँ। लेकिन इनिशियल स्टेज के बारे में क्या बताऊँ, फाइनल स्टेज पे मैं उसको आपको सपोर्ट करो, ओलंपिक फाइनल स्टेज है, इसको सपोर्ट करो। इनिशियल स्टेज के बारे में तो मैंने नहीं बताया, वो वर्ल्ड क्लास के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्लीज़ आप उनको देखो। एंड सेलिंग में देखे, ऐसे स्पोर्ट्स जहाँ पर इंडिया की ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, इसके बावजूद भी वो हमारे लिए वर्ल्ड लेवल पर जाकर क्वालिफाई करा और हमारे लिए मेडल जीते, ऐसे उम्मीदें हम रखते हैं। एंड देखे बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि यह हुआ फहद मिर्ज़ा इंडिया को घुड़सवारी में रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया के लिए घुड़सवारी के लिए ज़्यादा फैसिलिटी मौजूद नहीं है, इसके बावजूद भी वो लोग क्वालिफाई करा हमारे इंडिया के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो बोलिए आप क्या बोलोगे इसका। आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे देखने को मिल जाएंगे, फेंसिंग जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया, इक्वेस्ट्रियन जो घुड़सवारी जिसको बोलते हैं हिंदी में, और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। तो आशा कर तो आप मेरे वीडियो को मोटिव को तो समझ चुके हो एटलीस्ट गाइस। तो ऐसे आप वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ बोलना, आगे जाके बोलना वो ओलंपिक को एटलीस्ट सपोर्ट करें।
क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ मुमकिन नहीं है। और प्लीज सपोर्ट करें, जैसे कि गोल्फ हो गया, गोल्फ को बारे में भी इंडिया में डांस से कुछ नहीं है, कुछ स्टेडियम कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद भी इंडियन के 2 प्लेयर ने क्वालिफाई किया। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया और आप समझ चुके हो मेरे वीडियो के क्या थॉट है, क्या मेरा व्यू है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।